हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 16.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पिक्टोग्राफ को स्टडी करेंगे। हम जानते हैं पिक्टोग्राफ क्या होता है। इन अ पिक्टोग्राफ नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्चर्स और सिंबल्स। जो नंबर्स है वो पिक्चर और सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द पिक्चर और सिंबल मस्ट बी एक्सेट इन सेम। जो पिक्चर और सिंबल्स होती हैं वो सेम होती हैं। दे आर अरेंज एबव द रो एंड कॉलम, और वो अरेंज होते हैं रो एंड कॉलम में। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल को आपको खुद स्टडी करना है। मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन द शॉप। ये फॉलोइंग जो वेजिटेबल्स हैं ये अवेलेबल हैं शॉप पर, ठीक है। कैलीफ्लावर 20, ब्रिंजल 10, पोटैटो 30, ऑनियन टमाटो, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करनी है अबव द इन्फॉर्म, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है पिक्टोग्राफ के थ्रू। ड्रॉ वन पिक्चर रिप्रेजेंट 10 वेजिटेबल, मतलब एक जो हम पिक्चर करेंगे वो 10 वेजिटेबल होगी। मतलब यहाँ पे जैसे 20 दे रखा है तो हम कितने पिक्चर ड्रॉ करेंगे, 2, क्योंकि 10 प्लस 10 कितने होंगे 20, ठीक है। इस तरह 10, तो पहले हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें जरूरी है हम वैसा ही करना है। हम जैसे हम कैलीफ्लावर के लिए कैसे बनाते रहे हैं, इधर एक सिंबल बनाते रहे हैं। हम भी नहीं इतनी अच्छी ड्राइंग आती, तो हम क्या करेंगे, कैलीफ्लावर के लिए हमने क्या ले लिया, एक फूल सा इस तरह, ठीक है। और ब्रिंजल के लिए इस तरह से, पटेटो गोला, ओनियन, टमाटो, ठीक है, इस तरह कुछ भी कर देना। अब हम देखते हैं 20 है तो कितने बनाने हैं फ्लावर, 2, ये कितने 10 है तो 1, पोटैटो 3 है, ठीक है। अब ओनियन 15 है तो कितने बनेंगे, 5, और टमेटोज 40 तो 4 बनेंगे। इस तरह बना है इस